सत्यकाल आदा आप, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक केशु फिल्म्स व्लॉग्स। मैं आ गया हूं आज सिग्नेचर ब्रिज पे, सो लेट्स स्टार्ट। सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों, सिग्नेचर ब्रिज जो है वो है वजीराबाद में, इसको बनाया गया है यमुना नदी के जस्ट ऊपर। इससे पहले यहाँ पे एक पुल था, वजीराबाद पुल, वो पुल अभी भी है लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। सिग्नेचर ब्रिज ये बना कैसे, स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जैसा मैं पढ़ के आया उसके बारे में, 1997 की बात है कि 28 स्कूल स्टूडेंट्स से उनका एक्सीडेंट हो गया था वजीराबाद पुल पे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जैसे इसके बगल में एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जो काफ़ी चौड़ा हो और उस पर ट्रैफिक जाम जो है लगता है, ट्रैफिक जाम भी उससे कम लगेगा। एंड 1998 तक दिव्यांश शर्मा ने इसका प्लान जो रेडी करके दे दिया। उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ कि प्लान बनते रहे, काम चलता रहा, फिर रुक गया, फिर काम चलता रहा, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, काम रुकता रह गया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उससे पहले ये काम होना चाहिए था लेकिन काम काफी रुका। एंड फाइनली 4th of November 2018 को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इस ब्रिज की टोटल जो हाइट है वो है 174 मीटर्स एंड जिसका मेन पिलर है बीच में उसकी हाइट है 165 मीटर्स। जो टोटल खर्चा हुआ इसको बनाने अभी तक वो हुआ है 1128 करोड़। एंड अभी भी एक काम इसमें चल रहा है, ये काम भी बाकी है। ये इंडिया का पहला असिमेट्रिकल केबल टाइप ब्रिज है। केबल टाइप ब्रिज मतलब आप कह सकते हैं कि इसके नीचे पिलर्स जो हैं वो पिलर्स बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही हैं। एंड जो कि पूरा बैलेंस है वो है केबल्स के थ्रू। इसमें एक साइड में 8 केबल्स हैं और एक साइड में 30 केबल्स हैं। एंड वो केबल सीधा जो है ऊपर मेनी पिलर से अटैच है। वो केबल, एक केबल के मैं पास में हूँ, इस टाइप का कुछ केबल है। एंड ये जो ब्रिज है ये हल्का हल्का शेक भी हो रहा है बिकॉज ये इस केबल के थ्रू मतलब अटैच है, तो हल्का हल्का शेक भी होता है। जब भी आप कभी आएँ तो आपको तब फील होगा कि कैसे ये शेक होता रहता है। इसके जस्ट पैरेलल में है वजीराबाद का पुराना पुल जो कि चौड़ाई में बहुत कम है इसे कंपैरिजन में। तो मेन मकसद जो था इसको बनाने का वो यही था कि चौड़ाई बढ़े पुल की और जो ट्रैफिक जैम होता था उससे वो कम हो। सो काफ़ी मतलब पहले से अच्छा हो गया है एंड काफ़ी टाइम भी बचता है लोगों का। अगर कभी आप नॉर्थ दिल्ली में आते हैं तो ज़रूर इस तरफ ज़रूर आएँ। एंड जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लोग जो हैं सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं बिकॉज ये जो ब्रिज है इतना फेमस हो गया है, लोग जो है दूर दूर से इसको देखने के लिए आते रहते हैं। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से लोगों को इसका इंतज़ार था कि ये ब्रिज बनेगा, कम्प्लीट होगा, बिकॉज इस साइड में जो है नॉर्थ दिल्ली में इतना जाम लगता है। एंड ये जो है इस ब्रिज के आने से उन्हें काफ़ी समय बच जाता है। सो फाइनली 2018 में ये जो काम कंप्लीट हुआ एंड अब काफ़ी टाइम बचता है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए पहले के मुकाबले। आइए दोस्तों जानते हैं स्कूल के बारे में कुछ लोगों से जो डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं एंड क्या उनके जीवन में फ़र्क आया है ब्रिज के बनने के बाद। अभी आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। अच्छा, जो पहले के मुकाबले जो वजीराबाद पुल था जी और सिग्नेचर ब्रिज जो जब से बना है जी, तो क्या फ़र्क आया मतलब दोनों में? काफ़ी फर्क आया है, जैसे कि उस साइड से जब जाते थे हाँ तो काफ़ी टाइम लग जाता था, कहीं पर भी जाने के लिए काफ़ी समय लग जाता था, किसी को अर्जेंट होता था फिर भी मतलब कोई किसी को ज़रूरी काम है फिर भी मतलब देर लग जाती थी किसी वजह से, क्योंकि वो पुल पर ट्रैफिक बहुत रहता था हाँ, एक घंटे के रास्ता 2 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर निकल जाता था। जब से ये पुल बना है तब से इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कोई भी कहीं पर भी आराम से नो टेंशन होकर चला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब समय बचता है बहुत जब जी। और शाम को मतलब कैसा रहता है? ऐसे ही सेम शाम को खाली रहता है? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, कहीं पर भी इंसान जा सकता है आ सकता है, कोई टेंशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है, हमेशा नॉर्मली बढ़िया करके चलता है। मतलब अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ है। अच्छा, आप बताइए क्या फर्क आया है सिग्नेचर पुल बनने के बाद? सिग्नेचर पुल बनने के बाद पुराना वाला पुल था ना, उससे काफी टाइम लगता था, आपको भजनपुरा जाना है, खजूरी जाना है, इसके बनने से काफी टाइम बच गया हमारा, 1 घंटे 1.5 घंटे उसमें फंसे रहने से बढ़िया है 10 मिनट में भजनपुरा पहुंच जाओ इससे। मतलब और पुल बनने चाहिए इस तरह के? और पुल बनने चाहिए, बहुत बढ़िया पुल है, लागत भी काफी लगी है, बढ़िया पुल है। मतलब नॉर्थ दिल्ली में जरूरत थी काफी इस पुल की है ना? बिल्कुल, वजीराबाद का पुराना पुल भी वैसे भी डैमेज हो गया था हाँ हाँ, उसकी एक्सपायर डेट भी निकल चुकी थी हाँ, अब नया बनना चाहिए था वो बन गया, अब उसका थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई है। अच्छा,
आई होप दोस्तों आप लोगों को मजा आएगा वीडियो देखने में। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर चैनल पे न्यू हो सो फॉर क्वालिफाइड लवली वीडियोज सब्सक्राइब टू मयंक केशु फिल्म्स एंड ब्लॉग्स टू। बाय बाय, टेक केयर।